Hello friends, welcome to my channel Easy Weezy. It's me Shudipta. Thank you for watching my channel. If you are new here, दोस्तों तो please इसको subscribe करना ना भूले और अगर आपको ये video helpful लगे तो इसको thumbs up देना भी ना भूले और अगर आपको लगता है कि मेरा ये video आप लोगों के लिए helpful होगा या फिर रहा है तो इसको अपने friends and family के साथ share करना बिल्कुल ना भूले और मुझे अपना lovely comment जरूर भेजे तो दोस्तों आज मैं जो दिखाने जा रही हूँ वो है how to control your face. आप लोगों ने बहुत दिनों से बोला था मुझे कि हाउ टू कंट्रोल हाउ टू कंट्रोल तो मैंने कंट्रोल स्टिक लास्ट वीडियो में दिखाया था तो आज मैं हाउ टू कंट्रोलिंग दिखा रही हूँ. तो मैं यूज करने जा रही हूँ वही मेरा जो कंट्रोल स्टिक है वही मैं यूज करने जा रही हूँ और दोस्तों बिल्कुल टाई कर लिया मैंने अपने हेयर को तो मैं ज्यादा बातें नहीं करेंगे तो बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं आज का वीडियो हाउ टू कंट्रोल योर फेस. तो पहले दोस्तों मैंने अपने फेस पे फाउंडेशन ऑलरेडी लगाया हुआ है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने अपने फेस पे ऑलरेडी मैंने फाउंडेशन लगा लिया है. तो मैं अब क्या करूंगी मैंने अपनी जो डार्कन वाला कॉन्सर स्टिक है मैं उसको यूज करने जा रही हूं. मैं अपना फिंगर से जहां जहां पॉइंट पे लगा रही हूं इसको ध्यान से दोस्तों देखिएगा अपने चिन के दो नीचे वाले पार्ट पे. अजीब लग रहा होगा लेकिन मैं ऐसे ही लगाती हूं यूजुअली. ध्यान से दोस्तों कि आपका दोनों साइड पे बिल्कुल सेम पोजीशन पे लगे. फिर आपको जाना है अपने लिप्स के बिल्कुल नीचे यहाँ पे. दैट्स ऑल. फिर दोस्तों लगाना है आपके नोज के दोनों साइड पे. इससे आपका नोज थिन दिखता है. और यहाँ पे एक बॉर्डर की तरह लगा सकते हैं आप. फिर दोस्तों अगर आपका फोरहेड कुछ ज्यादा ही चौड़ा है तो पूरा हेयर बैंड की तरह यहाँ पे लगाइए. मुझे सिर्फ ये वाली पॉइंट्स हाइड करनी है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी और फिर यहाँ पे मुझे लगाना है. इससे मेरा फेस जो है थोड़ा थिन दिखेगा. तो दोस्तों मेरा जो कंट्रोल स्टिक का जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल रेडी है. अब मैं आप लोगों को इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ. तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जो लेफ्ट ओवर प्लेस था उसमें मैंने हाइलाइटिंग पोर्शन पे मैंने अपना कंसीलर लगाया है. जो कंसीलर मैंने बनाया था उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मैंने इसको नोज एरिया पे इस तरह से लगाया है. अपनी मेरे जिन लोगों का चौड़ा फोरहेड है उन लोगों को दो तीन स्ट्राइप लगाना पड़ता है. मेरा इतना भी नहीं है तो मैंने यहाँ पे बिंदी की तरह बड़ा लगा लिया है. फिर मैंने अंडर आई पे लगाया हुआ है. इसके नीचे जो हाइलाइटिंग पोर्शन है उस पर लगाया है. अपने चिन पे लगाया है. तो अभी हमें क्या करना है इसको ब्लेंड करना है. तो मैंने जो अपना मेकअप ब्लेंडर बनाया था उसे ही मैं यूज करने जा रही हूँ. और फिर आपको इसको धीरे 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 डैप करते रहना है. ये आराम से मिक्सअप हो जाएगा दोस्तों. आप देखते रह जाएंगे. सी दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपना फेस आराम से इसको मिक्स कर लिया आप लोगों के सामने मिनटों में. अभी आप देख सकते हैं मेरे फेस को. मैं एक सिंपल पफ के साथ थोड़ा सा मेरा जो फेस पाउडर है मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस समझ में आए. विदाउट एनी लाउड मेकअप कुछ ज्यादा अभी है ही नहीं. अपने आप देख सकते हैं मेरा ये दो पोर्शन थोड़ा शेडेड हो गया इसलिए थोड़ा दब सा गया है. फिर मेरा जो चिन पोर्शन है वो थोड़ा हाइलाइटेड हो गया है. मेरा नोज हाइलाइटेड है ऑलरेडी. और ये दो जो पोर्शन है तो ये पोर्शन भी अपने आप से ही सेट हो चुका है. तो मेरा फेस पहले से काफी टोन्ड है. आप देख सकते हैं थोड़ा रिवर्स में जाके तो पहले से मेरा फेस काफी टोन्ड है. अभी दिखने में भी अच्छा लग रहा है. अभी इसके ऊपर मैं हाइलाइटर लगाऊंगी. अगर मैं कंचोरिंग कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मुझे
मेकअप का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, ये एक पार्ट है। तो मैंने अपना जो हाइलाइटिंग एंड शेडिंग पार्ट है मैंने उसको अच्छे से कर लिया है। अभी मुझे इसको अपना हाइलाइटर लगाना है, अपना फेस पाउडर लगाना है, शेडोज लगाने हैं, फिर आई मेकअप करना है, लिप मेकअप करना है, फिर ये बिल्कुल आप जैसा फेस चाहते हो आपको बिल्कुल वैसा मिलेगा। ये कॉन्चोरिंग का मेन पार्ट्स है, जिन जिन पार्ट्स पे मैंने अप्लाई किया है, मैंने कंसीलर लगाया, मैंने डार्क कॉन्चोरिंग स्टिक भी लगाया, जिस तरह से मैंने लगाया आप इसको घर में जरूर ट्राई करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज मेरे साथ कमेंट सेक्शन में बात कीजिए, मैं आप लोगों के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगी अपना 100% देने के लिए। आप लोगों को साथ में बने रहने के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। 5000 सब्सक्राइबर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैंने सोचा नहीं था बेसिकली कि मैं मुझसे होगा या फिर मैं कर पाऊंगी। तो आप लोगों की सपोर्ट है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स है, आप लोगों की गुड विशेस है, जो आज मैं जो जितना भी कर पाई हूँ आप लोगों की वजह से इतना कर पाई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। और कंचोरिंग करते रहिए, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे, तो लिंक्स आर ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप मेरे साथ जरूर जुड़िए, बात कीजिए। मैं इतना ज्यादा भी एक्टिव नहीं हूँ, मैं हूँ लेकिन ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाती हूँ अपने काम की वजह से। तो मैं जितना हो सकता है आप लोगों के साथ टच में जरूर रहूंगी। दो तीन फ्रेंड्स जो है मेरे साथ डेली बेसिस पे फेसबुक पे चैट करते हैं, बात करते हैं, तो मुझे बात करके अच्छा लगता है। उन लोगों का कुछ क्वेरी होता है तो वहां पे भी वो लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग भी आइए, बात करेंगे, आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे हम। और इतना अच्छा अगर आपको लग रहा है तो मुझे बताइएगा जरूर। और किस किस पार्ट पे आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज मुझे बताइएगा, आई विल डू डू इट फॉर श्योर। सो थैंक्स फॉर टुडे, आई विल सी यू सून ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। Take care and bye-bye.